सरकार कंपनियों और बड़े कारोबारियों की नागरिकों के प्रति जवाबदेह ठहराने वाली पत्रकारिता तभी मुमकिन है जब समय और संसाधन की जरूरत पूरी होती रहे। अगर आपको लगता है कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ऐसी पत्रकारिता करता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी छानबीन को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक सहयोग कीजिए। आपका साथ मिलेगा तो द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का सफर जारी रहेगा। भारत की बहुत बड़ी आबादी की आमदनी और बचत ही इतनी कम है कि उसे वित्तीय किस्म के दस्तावेजों को समझने की आदत नहीं है। ज्यादातर लोग तो बैंकों से पैसा निकालने और जमा करने वाले फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस और पेंशन के दस्तावेज को कितने लोग समझ पाते होंगे। ऐसे में बैंकों की जिम्मेदारी बनती है कि वह ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरते, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पने का तिकड़म न लगाएं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से रिपोर्टर हेमंत गैरोला ने छानबीन कर यह पता लगाया है कि केंद्र सरकार की इंश्योरेंस और पेंशन स्कीमों में ग्राहकों को धोखे में रखकर डरा धमकाकर शामिल किया जा रहा है। दस्तखत और स्वीकृति लेने की उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, जबकि नियम यह है कि इंश्योरेंस और पेंशन योजना ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी किस्म की होती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव को ट्विटर और यूट्यूब पर कई सौ ग्राहकों की शिकायतें मिली। एक शिकायतकर्ता ने लिखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनके खाते से जीवन बीमा योजना के लिए पैसे तो काटे ही, साथ ही पूछे जाने पर बैंक ने उन्हें यह बताया कि बैंक ने खुद से ही ग्राहकों के हित में यह सरकारी योजना चालू की है। यूनियन बैंक की दिल्ली की एक शाखा में एक ग्राहक ने अपना खाता खोला और कुछ ही दिनों बाद उनके खाते से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के नाम पर कई सौ रुपए कट गए। जब वो बैंक गए और इसके बारे में पूछा तब उन्होंने जाना कि इन तीनों योजनाओं के फॉर्म्स तो उन्होंने अनजाने में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ भरे थे। यह बैंकों की एक कॉमन चाल है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ इन तीनों स्कीम्स के फॉर्म रख देना। इसी चाल का पर्दाफाश करने के लिए इस ग्राहक ने मेरे सुझाव पर अपने एक दोस्त को बैंक भेजा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके। सर, ये केसेस गए यार, मुझे तो इंश्योरेंस ऑफर बीच में कराना है। ये मेरे को नहीं करवाना है, इसके बिना खाता नहीं। ये कंपलसरी है, साल के 20 रुपए कटेंगे, साल के 20 रुपए ही कटेंगे इसमें। बैंक मित्रों की हालत तो और भी खराब है। बैंक मित्र यानी कि वो लोग जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। बिहार के रहने वाले एक बैंक मित्र जो सेफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, उन्होंने हमें यह स्क्रीनशॉट भेजा। इसमें इनके सुपरवाइजर इनको साफ साफ कह रहे हैं कि लोगों का नया खाता खोलो, उसमें 20 रुपए डालो और इनका सुरक्षा बीमा योजना कर डालो। मैंने कई बैंक मित्रों से बात की और सबका यही कहना है कि उनके सुपरवाइजर उनको खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि ग्राहकों की जानकारी के बगैर उनके खाते में यह स्कीमें चालू कर दो। महाराष्ट्र निवासी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक स्वप्निल मिश्रम ने ट्विटर पर अपनी जीवन बीमा पॉलिसी शेयर की। इनकी पॉलिसी भी बिना इनकी अनुमति के चालू कर दी गई थी। इस पॉलिसी के अनुसार इनकी नॉमिनी इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम है शलिकराम शलिकराम। स्वप्निल अविवाहित हैं और शलिकराम इनके पिता का नाम है। हेमंत ने जब आरटीआई दायर कर बैंकों से यह पूछा कि बिना ग्राहक से अनुमति लिए पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किए जाने को लेकर के कितने शिकायत उनके खिलाफ दायर किए गए हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जवाब दिया कि वह इस तरह की किसी भी तरह के डेटा को नहीं रखती है। केनरा बैंक ने कहा कि यह बताना ग्राहकों की निजता का उल्लंघन होगा। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब और सिंध बैंक ने जवाब दिया कि उनके पास इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आई है। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग और इंश्योरेंस क्षेत्र पर निगरानी का काम करती है। इस डिपार्टमेंट का जवाब था कि वह आरटीआई के जरिए पूछे गए इस तरह के हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि 22 नवंबर को इसी डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी बैंकों को एक पत्र के माध्यम से चेताया है कि धोखेबाजी और अनैतिक तरीके से जीवन बीमा बेचना बंद करें। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर बताता है कि 82% मर्द कामगार 10,000 रुपये से कम कमाते हैं और 92% औरत कामगार महीने में 10,000 रुपये से कम कमाती है। ऐसे में सोच कर देखिए कि इनका घर कैसे चलता होगा। साथ में कमर तोड़ महंगाई जोड़ लीजिए,
इनकी बैंक बचत कितनी होती होगी, इनके खाते से अगर महीने में 500 रुपए बिना उनकी अनुमति के कट जाता होगा तो इन पर कितना बड़ा पहाड़ टूटता होगा। खाता तो लगभग मान के चलिए कि 99% हम लोग गरीब का ही खाता खोलते हैं। गरीब को 400-500 रुपया इनकम है सर, कहाँ से खाएगा। हम लोग इसीलिए नहीं करते हैं सर, ये लोग मजबूरी में हम लोग दबाव दिलवाकर मतलब कि जैसे तैसे नहीं कीजिएगा तब कोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। हम लोग करे तो क्या करे। तो मैं यहाँ कंपनी में जॉब करता था, फिलहाल तो मेरे पास जॉब भी नहीं है। क्यों, एक तो काफी समय से मैं पहले बीमार हूँ, बीमारी से ग्रस्त चल रहा हूँ। अभी ये बोले करीब मेरे को 5 महीने हो गए मेरे को बीमार को, तो अब ये लगा लो आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये।